अगर आपका पुराना मोबाइल टूट चुका है या चोरी हो चुका है या आप उसे बेच चुके हैं, तब भी आप आज की डेट के अंदर उस मोबाइल का जितना भी आपका बैकअप था, जितना भी डेटा था, जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे, पुराने कॉन्टैक्ट्स, वो सारे के सारे वीडियोस, फोटोज़, हर चीज़ आप नए वाले मोबाइल के अंदर ला सकते हैं। एक तो मेथड मैं आपको गूगल से बताऊंगा, दूसरा मेथड मैं आपको बताऊंगा फेसबुक से। आप फेसबुक से भी अपने तमाम पुराने कॉन्टैक्ट्स, राइट, जो आपके पुराने मोबाइल के अंदर थे, वो आप निकाल सकते हैं। बट इसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो ये कि आपको अपनी जीमेल आईडी ज़रूर याद होनी चाहिए है, अगर आप गूगल से निकाल रहे हैं। अगर आप फेसबुक से निकाल रहे हैं तो आपका ऑफकोर्स आपका फेसबुक की जो आईडी होगी, डेफिनेटली वो तो मैं आगे चल के बताऊँगा, राइट। मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे थे कि सर इस पर वीडियो बना दीजिए कि हम पुराने कॉन्टैक्ट्स को अपने नए वाले मोबाइल के अंदर किस तरीके से इम्पोर्ट करेंगे। ओके, सो स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहे तो। गूगल से लॉगिन हो जाएगा उस अकाउंट से जिस अकाउंट पे आप या तो मोबाइल बेच चुके हैं या आपका चोरी हो चुका या टूट गया, व्हाटएवर, कुछ भी। ओके, उसके बाद आपने लॉगिन होने के बाद आप ये देख रहे हैं लोगो बना हुआ आ जाएगा आपके पास, आपने लोगो पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखें लिखा हुआ है मैनेज योर गूगल अकाउंट, राइट, इस पर आप करेंगे क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके पास आएगा और देखें ये लिखा हुआ है डेटा एंड प्राइवेसी, इस पर आप करेंगे क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद ये वाला इंटरफेस आपके पास आएगा, पेज को आप नीचे करेंगे। ऑलराइट, नीचे करने के बाद तो देखें एक आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है डाउनलोड और डिलीट योर डेटा, राइट। सो आपने इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा डाउनलोड योर डेटा। इस पे क्लिक करने के बाद राइट आपके पास, मैंने ये ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर डाउनलोड की थी। एनीवेज, अब देखो आपने एक काम ज़रूर करना है, सबसे पहले तो ये देखो लिखा हुआ है डीसेलेक्ट ऑल, इसको ज़रूर दबा देना, यानी इस ये बाय डिफ़ॉल्ट सब पे चेक लगा हुआ होगा, राइट, तो तुम गड़बड़ नहीं कर देना इसलिए सब पे। देखो तुम यहाँ से ब्लॉगर का भी, मतलब अगर तुम ब्लॉग यूज़ करते हो, एनीवेज हम अपने टॉपिक पे रहते हैं, ये रहा कॉन्टैक्ट्स, ठीक हो गया, आपने सिर्फ कॉन्टैक्ट। हाँ, अगर आप अपनी फोटोज़ वगैरह चाहते हो या वीडियोज़ जो भी उस मोबाइल के अंदर थी, सो आप गूगल ड्राइव भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जाहिर है कि ये बहुत बड़ी फाइल होगी, मैं इसको नहीं करूँगा। अगर आप सिर्फ फोटोज़ चाहते हो तो ये देखो लिखा हुआ है गूगल फोटोज़, जहाँ से आप फोटोज़ भी रिकवर कर सकते हो, ठीक है। पेज को आप बिल्कुल नीचे कर देंगे। नीचे करने के बाद देखो लिखा हुआ है नेक्स्ट स्टेप, इस पर आप करेंगे क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद लिखा है क्रिएट एक्सपोर्ट, ठीक हो गया, इस पर आप करोगे क्लिक। अब ये फाइल आपकी डाउनलोडिंग पे जा रही है, ठीक हो गया। ओके जी, फाइल हो गई है हमारी डाउनलोड, राइट। सो आपके पास इस तरीके से देखो डाउनलोड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक हो गया, राइट। अब हमारे पास देखें ईमेल भी आ चुकी है कि गूगल टेकआउट, ठीक हो गया। ओके, एनीवेज आपने यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है और ये डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया। अब जैसे ही फाइल डाउनलोड होगी उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा कि आपने करना क्या है, ठीक हो गया जी। हमारी फाइल हो गई यहाँ पर डाउनलोड, हम आएंगे वापस बाहर। बाहर आने के बाद आप अपने जाएंगे मोबाइल के फाइल मैनेजर के अंदर, या अगर माई फाइल्स या फाइल मैनेजर के अंदर जाएंगे, राइट। उसके बाद आप जाएंगे डाउनलोड्स में, डाउनलोड्स में जाने के बाद आपके पास एक ही फोल्डर आ जाएगा, राइट, टेकआउट के नाम से, ठीक हो गया। ये होगा आपका zip फोल्डर होगा, तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है unzip, इसको आप करेंगे unzip पे क्लिक। ऑलराइट, unzip पे क्लिक करने के बाद आप इस पे करेंगे क्लिक, उसके बाद कॉन्टैक्ट्स पे करेंगे क्लिक। सो यहां पर आपके सारे के सारे जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे ना भैया, देखो सारे आ जाएंगे। ओके, मैं जाता हूं आपको सिर्फ एक डेमो दिखाने के लिए एक डिवाइस के उसमें चला जाता हूं, राइट। मैं यहां से अपने आपको दिखा भी देता हूं कॉन्टैक्ट्स, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास देखो ये इंटरफेस आ जाएगा, ये सारे के सारे आपके कॉन्टैक्ट्स आ गए, ठीक है, जो जो आपने वहाँ उसमें उस पुराने मोबाइल के अंदर अपने रखे हुए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद अब देखो ऊपर लिखा हुआ है सेव, जैसे ही आप इस सेव पे क्लिक करोगे तो ये आपके मोबाइल के अंदर, यानी कि आपके मोबाइल के अंदर जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर ये सेव हो जाएंगे, ठीक हो गया। एक तो तरीका ये है। ओके, हम जाएंगे वापस, यहाँ से हम बाहर आते हैं, हम जाएंगे अब फेसबुक में। फेसबुक के तरीके में जाने के लिए आप फेसबुक से भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ लिखते हैं आपने एक ब्राउज़र यूज़ करना होगा उसके लिए m.facebook.com। ऑलराइट, यहाँ पर आ गए, आप जाएंगे वापस एड्रेस, यहाँ पर एडिट पे करेंगे क्लिक और यहाँ पर लिखेंगे आपने mobile/messenger/contacts, ठीक हो गया,
facebook.com/mobile/messenger/contacts। जैसे आप इस पर एंटर करेंगे मेक श्योर कि आपकी आईडी लॉगिन होनी चाहिए, ठीक हो गया। आपके पास ये इंटरफेस आएगा, उसके बाद देखो आपको एक नज़र आएगा कि सी कॉन्टैक्ट्स यू हैव अपलोडेड फ्रॉम फेसबुक, यानी आप अगर उस डिवाइस के अंदर आपने फेसबुक यूज़ करते रहे होंगे तो डेफिनेटली आपके पास ये वाला ऑप्शन ज़रूर आएगा, वैसे भी आएगा और यहाँ पर आपको दिखा देगा। ये देखिए इस वक्त मुझे दिखा रहा है कि मेरे 418 कॉन्टैक्ट्स, इस तरह आपके पास लिस्ट आ जाएगी पूरी, राइट। आप देख लीजिएगा जिसका भी आपने नाम देखना हो, निकालना हो नंबर, राइट, जैसे मैं ये निकाल लेता हूँ। सो ये देखें इस तरह नंबर आप निकाल सकते हैं। तो ये मतलब दो तरीके जो मैंने अपने भाइयों को बताए हैं, आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहे। अगर हेल्प रहे भैया, नहीं भी रहे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, राइट। मिलता हूँ किसी बेहतरीन वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।